हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक। आज के वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो एंड काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हों कि ये स्टॉक्स कब रिटर्न देना स्टार्ट करेंगे। ऑल दो जो चंद्रयान 3 है वो भी लॉन्च हो चुका है लेकिन इन स्टॉक्स ने चलना स्टार्ट नहीं किया है, ऐसा एक व्यूअर ने कमेंट किया एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो उसी थीम को लेते हुए ये वीडियो के अंदर 3 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो ऐसे स्टॉक है जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है बट काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं या अपने आपके जो प्राइस है जिस पे आपने पर्टिकुलर प्राइस पे बाय किया है वहाँ से हो सकता है नीचे भी ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हो। तो ये स्टॉक्स कब मूव करना स्टार्ट करेंगे, इन स्टॉक्स के अंदर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर तरीके से हम इन स्टॉक्स में आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में ही हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये कमेंट था कोटक बैंक कब चलेगा भाई, अब तो चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया है। तो एक इस पे कमेंट आप देख सकते हैं कि सबका टाइम आएगा, मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने पिछले 1 साल में पिछले 5 साल में अगर रिटर्न नहीं दिए हैं जबकि उसके जो फंडामेंटल्स है, उसकी सेल्स है, उसके नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले 5 साल में इम्प्रूव हुए हैं, वहाँ से डबल हुए हैं, ट्रिपल हुए हैं, तो डेफिनेटली उस स्टॉक के जो रिटर्न है हो सकता है पिछले 2 सालों में उसके रिटर्न नहीं आए हो। लेकिन अगर वो स्टॉक 20% CAGR से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है, अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है, तो जो अराउंड 25% CAGR के या 20% CAGR के अकॉर्डिंग जो रिटर्न बनते हैं वो आपको 15 डेज से भी कम टाइम में आते हुए देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। लेकिन उस दिन तक आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है कोटक बैंक, यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 0 है। 18 जुलाई 2022 को ये स्टॉक अराउंड 1845 का था एंड करंटली भी 1871 का है। वहीं भी कोटक बैंक में ये स्टोरी और लंबी देखते हुए मिलती है, पिछले 5 साल में भी ओनली 40% के रिटर्न आए हैं। जबकि इसका ऑल टाइम का चार्ट देखा जाए जुलाई 2001 से तो आप देखेंगे कि काफ़ी शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए हैं, यानी कि 77,000% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए हैं। जबकि पिछले 5 सालों में ये स्टॉक सेम रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा चांस है इस पर्टिकुलर स्टॉक को करंट लेवल पर बाय करने का, एंड अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको जरूर होल्ड करके रखें। एक सिंगल शेयर को भी आपको बेचने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नजर आएगा जहां मार्च 2019 यानी कि आज से पूरे 5 साल पहले अगर इनके रेवेन्यू की बात करी जाए तो अराउंड 29,000 करोड़ का था, वो बढ़ के 42,000 करोड़ का हुआ है। एंड जो नेट प्रॉफिट था आज से 5 साल पहले 7,200 करोड़ का, वो बढ़ के 14,900 करोड़ का हुआ है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट हुआ है। उस केस में अगर स्टॉक प्राइस में रिटर्न नहीं आते हैं तो हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और चीज़ हम देख सकते हैं वो ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहा है पिछले 5 सालों में, जब स्टॉक के रिटर्न नहीं आए हैं, नेट प्रॉफिट डबल हुआ है, तो हम देखते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। FII की होल्डिंग के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है, 42 के बदले 39 हुई है। वहीं अगर DII की होल्डिंग देखें तो वो 15% से बढ़ के 21% हुई है। एंड जो पब्लिक की होल्डिंग 16% हुआ करती थी वो घट के 13% हुई है। तो कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, ऑल दो DII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है एंड जो होल्डिंग को बढ़ाया है वो पब्लिक की तरफ से ही 3% अपनी तरफ खींचे हैं। तो यहाँ पे कोई बड़े बदलाव नज़र नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर आने वाला टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न आएंगे। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने स्टॉक को होल्ड कर रखा है 2 सालों से वो रिटर्न कोई नहीं देता है, लेकिन जब उसके अच्छे टाइम आना स्टार्ट होता है तो वो जो रिटर्न है पिछले 2 साल के रिटर्न भी 20 दिन में आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसी टाइप से एक और स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो जनवरी 2022 में जिन लेवल्स पे था वहाँ से करंटली अराउंड 30% के डिस्काउंट पे करंटली अवेलेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पिछले 1 साल के भी अगर रिटर्न देखें तो ये सेम उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे आज से 1.5 साल पहले ट्रेड कर रहा था। तो ये भी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने रिटर्न कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन अगर इसके सेल्स की बात करें तो वो 21% से ग्रो हुई है एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 22% से ग्रो हुआ है, जहां नेट प्रॉफिट आज से 1 साल पहले 961 करोड़ का था वो बढ़ के 1174 करोड़ का हुआ है। वहीं पे आज से 1 साल पहले जो 6500 करोड़ की नेट सेल्स थी वो बढ़ के 8000 करोड़ की हुई है। तो इस टाइप से जो फंडामेंटल्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, स्टॉक प्राइस मूव नहीं कर रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नज़र नहीं आती है।
वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें कि यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं या नहीं, तो देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, एफआईआई की जो होल्डिंग है स्लाइटली कम हुई है, 7.22 से घट के 6.69 हुई है। वहीं अगर डीआईआई की देखें तो होल्डिंग बढ़ी है, 7.6 से बढ़ के 8.4 हुई है। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग देखें तो वो भी लगभग इसी रेंज में नजर आती है। थर्ड स्टॉक जो अगेन आपको थोड़ा बहुत पैनिक करता हुआ, जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक का माहौल कन्वर्ट करता हुआ नजर आएगा, वो आप देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी शानदार स्टॉक है, 13,000 करोड़ यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करने वाला आईटी स्टॉक है। करंटली 35% के डिस्काउंट पे करंटली अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड इस स्टॉक की अगर बात करें तो इस स्टॉक ने भी काफ़ी परेशान किया है, अच्छा स्टॉक होने के बावजूद भी नहीं चला है। तो आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों से जो स्टॉक प्राइस है वो एक पर्टिकुलर रेंज में दिखेगी, लेकिन आप देखेंगे कि जो इनकी सेल्स है वो 761 से बढ़ के 1300 करोड़ के आसपास पहुंची है। एंड जो नेट प्रॉफिट है 162 करोड़ से बढ़ के 216 करोड़ का हुआ है, यानी कि 1.5 टाइम्स हुआ है नेट प्रॉफिट। एंड जो नेट सेल्स है वो लगभग डबल के आसपास हुई है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस में रिटर्न नहीं आए तो यहाँ भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती है। अगर आप और बाय कर सकते हैं इन स्टॉक्स को तो और भी ऐड किए जा सकते हैं इन लेवल्स पे, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक करना फिजिबल नज़र नहीं आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की साइड से कॉन्स्टेंट है, FII की अगर बात करें तो 7% से घट के 4% हुई है। DII की भी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर घटी है, 7% से घट के 1% हुई है। वहीं आप अगर पब्लिक के पास देखें तो 38% की होल्डिंग है। एंड जो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट है उनके पास, उन्होंने अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज किया है, करंटली जो होल्डिंग है अराउंड 3.4% की नज़र आती है। इस टाइप से आप देखेंगे कि जो ये 3 स्टॉक है वो फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है इन्होंने, लेकिन इनके शेयर प्राइस ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो दोस्तों, जो अच्छा मौका होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने का फेयर प्राइस पे, वैल्यू बाइंग पे, तो वो इन्हीं रेंज पे आपको मिलेगा। ऐसे ही स्टॉक आपको ढूंढने होंगे जिनके फाइनेंशियल्स तो इम्प्रूव है लेकिन स्टॉक प्राइस के अंदर खासा रिटर्न नहीं आया है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उन स्टॉक्स के अंदर भी अच्छा रिटर्न आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यही थे आज का वीडियो में डिस्कस किए गए 3 स्टॉक। पहला था कोटक महिंद्रा बैंक, सेकेंड था L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एंड थर्ड था हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन से स्टॉक को आप होल्ड करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।